एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा अलौकी का जूस, थोड़ा सा तुलसी पुदीना, थोड़ा सा उसमें ऐसे ही डालना चाहें तो तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, और फिर लौकी को जूस निकाल के पी लिए, बहुत अच्छा लगता है। और जिनको किसी किसी को नींबू से एसिडिटी होता है, किसी को नींबू से एसिडिटी ठीक भी हो जाता है। तो ये आप अपनी प्रकृति देख लेना, किसी को नींबू से डाइजेशन अच्छा होने से एसिडिटी ठीक हो जाता है, किसी किसी के तो इतने ज़्यादा अंदर से पित्त बढ़ा हुआ होता है कि पानी पीते भी उल्टी होती है, ये हालत होती है, खाना खाते ही उल्टी होती है, बहुत ख़राब हालत होती है। अंकुरित ही नहीं खाया जाता, अंकुरित को भी उबाल करके खा लेते तो थोड़ा बहुत खा पाते हैं, नहीं तो हम बोलते हैं अंकुरित खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाते भी उनको खट्टी डकारें आने लगती है, बहुत डाइजेशन खराब हो जाता है, माने स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर सब एकदम डैमेज हो गया है। ऐसे रोग वो अपने प्रकृति के अनुसार देख लें, नहीं तो लौकी का जूस तो ये एसिडिटी के लिए, फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, जिनको बहुत अधिक गर्मी लगती है उसके लिए, मोटापा के लिए, खून बढ़ाने के लिए, बॉडी को साफ करने के लिए, ओबेसिटी के लिए तो ज़बरदस्त है, और ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम को तो क्योर कर देता है, इतना ज़बरदस्त लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस ताज़ा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो पता नहीं कर लेते। एसिडिटी के लिए अभिपत्ति करचो, बाजार से 5 से 10 गुना हम औषधियाँ देते हैं, चाहे अभिपत्ति करचोण हो, चाहे चंद्र प्रभावटी हो, चाहे वो चित्रकादिवटी हो, चाहे वो कोलाइटिस के लिए हम लोग चित्रकादिवटी और कोटेस घनवटी कुटजारिष्ट देते हैं, गंगाधर बिल्वादी शंख गोवर्धन मुक्ता शक्ति देते हैं, गोदंती से लेकर के शंख कपड़ तक मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी और ये जितने भी चौण है 5 से 10 गुना सस्ते देते हैं हम लोग।